हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक ब्रेकर। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अपने फ़ोन को पीसी या लैपटॉप की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में। और इसमें सर्च कीजिए एंड्रोमियम, ANDROMIUM। एंड तो आप लोग सबसे ऊपर ऑप्शन में देख सकते हैं एंड्रोमियम OS बीटा लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर दीजिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ये ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन तो है नहीं, लगभग 3 MB के आसपास है, तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं फोन्स में वर्क करेगी जिसमें लॉलीपॉप वर्जन या फिर उससे ऊपर के वर्जन इस्तेमाल हो रहे हो। मतलब एंड्रॉयड वर्जन 5.0 से ऊपर के वर्जन अगर आपके फ़ोन में इस्तेमाल हो रहा है तो ही ये एप्लीकेशन वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे लॉलीपॉप है या मार्समेलो है या फिर नोगट है, या अगर ये वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं आप एंड्रॉयड के तो ही ये एप्लीकेशन वर्क करेगा, नहीं तो इसके पहले किटकैट है या फिर उसके पहले की जितने भी एंड्रॉयड वर्जन है उनमें वर्क नहीं करता है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद देखिए कुछ परमिशंस मांग रहा है, तो इसको अलाउ कर देते हैं। ओके में क्लिक कीजिए। इसके बाद कुछ परमिशंस आपको देनी होगी, जैसे एफ विथ यूसेज एक्सेस, तो अभी इसमें आएगा। देखिए इसमें, देखिए इसको ऑन कर दीजिए एंड्रॉइड OS और जैसे परमिट यूसेज एक्सेस, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाइए, फिर बैक आ जाइए। इसके बाद देखिए एक और नोटिफिकेशन एक्सेस मांग रहा है, इसको भी अलाउ कर दीजिए। बस इसमें सिंपली क्लिक करके अलाउ कर दीजिए। और आप देखिए, अब सारी जितने भी परमिशन ग्रांटेड करनी थी हो चुकी हैं। अब यहाँ सिंपली ओके में क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आप लोग ऊपर देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये देखिए आप लोग, नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड्रोमियम OS बीटा का, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसे क्लिक करने से ये लॉन्च हो जाएगा एप्लीकेशन। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो अब देखिए स्क्रीन रोटेट हो चुकी है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई लाइनॉक्स ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ये खुद भी एक एंड्रोमिया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। अब देखिए इसमें स्टार्टअप में क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें वीडियो में वीडियो प्लेयर का ऑप्शन है, म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन है, कैलकुलेटर, और ये देखिए ये गेम भी है, आप ये गेम भी खेल सकते हैं। मुझे तो ये गेम कभी समझ में नहीं आया, देखिए शायद आपको समझ आ जाए। और सिंपली कट में इसमें देखिए वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो प्लेयर भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप लोग कोई भी वीडियो चूज कर सकते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ। और दोस्तों, ये डबल क्लिक करने पर ही चलेगा, मतलब जहाँ भी आप टच करेंगे वहाँ डबल क्लिक करना है आपको, सिंगल क्लिक में नहीं चलेगा। ऐसे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, और साथ में मैं इसके कुछ फंक्शन आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कीबोर्ड्स बन के आ रहे हैं, क्या आप लोग कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पे वाईफाई की सेटिंग आती है नीचे कॉर्नर पे, इसी तरीके से। और साथ में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बाकी एप्लीकेशन अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्टेड ऐप में, मतलब गूगल के सारे एप्लीकेशन देखिए आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे आइए अनटेस्टेड ऐप्स में, मतलब अनटेस्टेड ऐप में वो सारे एप्लीकेशन आएंगे जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं। इस तरीके से आप चाहें तो इनमें से किसी को बाहर भी निकाल सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है इसे। तो इसके लिए जैसे मैं चाहता हूँ यूट्यूब का ये एप्लीकेशन बाहर आ जाए, इसको बाहर छोड़ दीजिए, देखिए बाहर आ गया है। इसी तरीके से आप सारे एप्लीकेशन बाहर ला सकते हैं। और वैसे इसे इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है, फाइल एक्सप्लोरर भी है
और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें। रिसाइकल बिन भी आप लोगों को मिल जाता है अगर कोई फाइल आप लोग डिलीट करते हैं, ट्रैश कैन नाम से है कोई, अगर आप लोग फाइल डिलीट भी करते हैं तो इससे आप लोग रिकवर कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल रहे हैं, ब्राउज़र का भी ऑप्शन है, बाकी सब कुछ आप लोग व्हाट्सएप अगर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप भी चला सकते हैं। ढूंढ लीजिए इसमें व्हाट्सएप कहाँ, ये है व्हाट्सएप में क्लिक करके देखते हैं। लेकिन इसमें यह है कि सारी चीज़ें रोटेट होकर ही चलेंगी तो इस तरीके से, और आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि डबल क्लिक करने पर ही ऑप्शन ओपन होता है, तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों और फाइनली लास्ट ट्रिक मैं ये बता देता हूँ कि इसको ऑफ कैसे करना है, क्योंकि आप लोग इसको बैक दबाते भी रहेंगे तब भी ये मतलब अब हटेगा नहीं, ये मतलब हो चुका है मतलब एंड्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसको हटाने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे स्टार्टअप में क्लिक कीजिए, इसके बाद लॉगआउट का ऑप्शन लॉगआउट में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सस्पेंडिंग एंड्रोमियम ओएस लिख के आया है, अब इसके बाद ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। देखिए एंड्रॉयड में फिर से आ गया है। अगर आप लोग फिर से चाहते हैं कि फिर से इसी में जाना है तो उसी तरीके से फिर से आप लोग इसमें क्लिक करके फिर से आप लोग जा सकते हैं एंड्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, मैं ऐसी कुछ नई ट्रिक्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं भी पसंद आया हो तो ये आपका हक है कि आप लोग इसे डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।